दीपक भैया जी सर, ये क्या है, कंप्लीट हो गई है गाड़ी? कंप्लीट नहीं सर, ये सर गाड़ी वापस आई है कहीं पे आउटसाइड में काम करवाए थे। ये तो उंगली घुस जा रही है मेरी। यहाँ तो देखिए प्रूफ इतना। ये गाड़ी की काम कस्टमर कहीं बाहर करवाए थे, सेटिस्फाइड नहीं है। पीछे डिक्की अंदर, डिक्की से अंदर धूल जा रही है। ये तो उंगली घुस जा रही है मेरी। हाँ सर, बहुत गैप है, अंदर धूल जा रहा है, पानी जा रहा है। हाँ, डिक्की की लाइन पूरी आउट हुई है। हाँ ये देखो ना, यहाँ से भी लाइट वाइट सब आउट है पूरी सर। यहाँ तो देखिए प्रूफ इतना। हाँ जी, ये तो ये हाथ में आ जाएगी। हाँ एक बार डिक्की खोलना, एक बार उधर मत जाना। और ये पेंट भी किया है, तो ये क्या क्वालिटी है पेंट की? मतलब रिपीट जॉब, कस्टमर का पहले का पैसा पूरा नुकसान, डबल काम, कस्टमर का डबल नुकसान। फिर से ये प्रॉपर सेट करेंगे और रिपेंट होगी गाड़ी। तो कस्टमर लोग ये सब चीज़ से बचने के लिए करेंगे तो क्या करेंगे सर? ट्रेंड बंदे हैं जो बॉडी टेक्नीशियन, उनके पास ले जाना चाहिए। चेक भी नहीं करते गाड़ी जहाँ छोड़ते हैं, तो बंदे ट्रेंड है कि नहीं। तो ट्रेंड को चेक करने का मेरे हिसाब से एक ही तरीका है कि कभी भी आप किसी भी वर्कशॉप में या बॉडी शॉप में अपनी गाड़ी काम करने दे रहे हैं, तो एटलीस्ट उनके रिव्यूज़ देखिए, वहाँ पर जाके उनका सेटअप देखिए कि क्या वो आपकी गाड़ी में काम करने लायक है भी कि नहीं है। क्योंकि नहीं नहीं करके अगर मैं मिनिमम साइड में भी पकड़ूँ, 1, 2, 3, 4, मतलब 2 क्वार्टर पैनल, डिक्की और बम्पर, अगर 4,000 का भी एवरेज मानूँ तो 16,000 रुपये का तो पेंट यहाँ पर चला गया। प्लस कितने दिन उन्होंने गाड़ी रखी होगी, वो समय का बर्बादी अलग। और ये टेलर भले अभी बच गई है, कोई बड़ी बात नहीं, अगर मेरे हाथ निकालने से निकल जा रही है तो ये शायद मतलब चलते में भी कोई गिर जाती तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी कि जहाँ पे भी आप कार दे रहे हैं उनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो कि उनको वो काम करना आता है कि नहीं आता है। तो दीपक भाई, हम लोग कर लेंगे इसको। जी सर बिल्कुल। कितने दिन का काम है अपने लिए डेंटिंग वगैरह का? 2 दिन का। 2 दिन का डेंटिंग का काम है, उसके बाद पेंट में लगा के 3-4 दिन में गाड़ी दे देंगे। चलिए बढ़िया, करिए, शुरू करिए। हाय गाइस, निशांत अगेन। जैसा कि अभी आपने देखा वो फोर्ड फिगो एस्पायर का, जो हम अभी एक छोटा सा जो भी स्निपेट सा आपने स्टार्टिंग में देखा, हर शहर में ऐसे काम होते हैं जहाँ पे मतलब कस्टमर के पैसे लग जाते हैं। कस्टमर हो सकता है मतलब हम अगर 10 ले रहे हैं तो किसी ने 8 में कर दिया होगा, 7 में कर दिया होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे मतलब वर्कमैनशिप, उसकी फिट एंड फिनिश, उसकी मतलब उसका जो बेसिक्स है वो हमेशा मिसिंग रहेगा। बिकॉज जहाँ पे भी प्राइस बार्गेनिंग आती है तो वहाँ पे डेफिनेटली स्किल सेट भी बार्गेन हो जाती है। स्किल सेट बार्गेन होने के साथ साथ पेंट क्वालिटी भी, देयर टू मेनी थिंग्स वेरी मच कोरिलेटेड टू ईच अदर। अब जैसे कि आपने देखा है वो नॉर्मल सा ही डैमेज है, कोई बहुत बड़ा मैसिव डैमेज नहीं है। क्या है उसमें, उसमें पक्का गाड़ी पीछे से डैश हुई होगी, मतलब बूट अंदर चला गया होगा, पीछे का क्रॉस मेंबर थोड़ा अंदर चला गया होगा, नॉट क्रॉस मेंबर मतलब पीछे का, मतलब डिक्की का जो मेन से डिक्की का एक गार्ड होता है वो अंदर चला गया होगा, जो लॉक सेट होता है जिसमें प्लेस होता है, क्वार्टर पैनल डैमेज हुआ होगा एक साइड का, मतलब दीज आर वेरी फाइन थिंग्स, मतलब बम्पर एंड ऑल, बम्पर रिप्लेस होता है, बम्पर अपने डेजिग्नेटेड ब्रैकेट्स में फिट हो सकता है, जब आप बूट का डेंट कर रहे हो बूट डेजिग्नेटेड जगह पे ही जाके बंद होगी, एंड सेम वे टेल लाइट आप फिट कर रहे हो तो अगेन उसके लिए एक स्लॉट बना, उसी स्लॉट में जाके फिट होगी। बट अब स्किल सेट इतनी कमज़ोर, जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा, अभी ये इस उस कार के लिए ये खाली अभी पहला एपिसोड है, क्योंकि मैं खाली अभी हमने खाली दिखाया कि काम कैसा हुआ था जिसमें वो कार आई है, अब हमको उसको वापस ठीक करना है। इट्स नॉट वेरी टफ ऑन आर पार्ट, क्योंकि मैकेनिकल नहीं, ये एक्सीडेंटल काम है, तो एक्सीडेंटल टीम जो है उसको कर सकती है। मैकेनिकल में कभी कभी दिक्कत होती है एट टाइम्स, जब डिसमेंटल गाड़ी आए तो हमें मालूम नहीं है कि पार्ट्स है भी कि नहीं है,
तो वो एक चैलेंज रहता है, बट इसमें इसमें इतना चैलेंज नहीं है, बट इसमें कंसर्न और जो समझने वाली बात है कि हम अपनी कार, मतलब 5-7-10 लाख रुपए की कार हम जिसे भी दे रहे हैं, क्या मतलब आर वी वेरी श्योर कि मतलब जहाँ भी हम दे रहे हैं दे हैव गॉट सेट ऑफ इक्विपमेंट, दे हैव गॉट सेट ऑफ टूल्स एंड दे हैव गॉट अ सेट ऑफ स्किल सेट्स टू डू दैट जॉब, जबकि क्योंकि ये तो सब बहुत ही ईजी काम था। काम तो और भी बहुत बड़े बड़े आते हैं, मेजर आते हैं जिसमें कैरोलाइनर का भी यूज़ होता है, कार का चेसिस बैंड होकर रखा होता है, मेजर एक्सीडेंट्स आते हैं, एयरबैग डिप्लॉयड रहते हैं, सब कुछ, बट दिस वॉज वन ऑफ द वेरी मतलब कहते हैं ना बहुत ही नॉर्मल एक डैश है, और उसमें अगर ये चीज़ नहीं हो पाई है तो इट मीन्स देर इज डेफिनेटली लैक ऑफ स्किल सेट, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। तो ओनली थिंग वॉट आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन कि कहीं पर भी आप अपनी कार दे रहे हैं, चाहे वो मेरे पास दें या किसी के पास भी दें या इंडिया में कहीं पर भी दें, मैंने फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अ जॉब, वेदर इट बी अ आई विल से रूटीन सर्विस ऑल्सो, सो वी शुड एटलीस्ट इंश्योर कि क्या उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑयल चेंज की हम बात करें, आज ऑयल मान लीजिए किसी कार में 3.5 लीटर लगना है, तो अब उसको बंदे को पता ही नहीं लगना कितना है, तो वो बंदा 3.5 के बोले 3 डाल दे तो भी प्रॉब्लम है, 4 डाल दे तो भी प्रॉब्लम है। तो एट द सेम टाइम मतलब ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं कि स्किल सेट और नॉलेज दोनों होना बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए ज़रूरी है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके यहाँ लिफ्ट होगी मैकेनिकल में, बॉडी शॉप में उसके पास रिक्वायर्ड बेसिक टूल्स होंगे जैसे कि डेंट पुलर हो, कैरोलाइनर हो, ये मतलब दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। एट द सेम टाइम पेंट क्वालिटी के लिए पेंट मिक्सिंग मशीन होनी चाहिए। तो मतलब आप कभी भी कहीं कार दें तो एटलीस्ट बस इंश्योर करें कि क्या बंदे के पास सारी चीज़ें हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूल्स एंड स्किल सेट। सेकेंडली मतलब क्या उसके बारे में लोग कहते हैं, क्या कस्टमर्स कहते हैं, मतलब बिकॉज गूगल इज नाउ डेज इज नथिंग, गूगल इज जस्ट लाइक अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर्स वॉट यू आर डूइंग। मतलब आप मान सकता हूँ कि सबको खुश नहीं रख सकते, बट इवन इफ यू आर डूइंग 90% ऑफ योर जॉब, सो आपका आप 90% भी काम अच्छा कर रहे होगे ना, तो अपने आप गूगल आपकी रिपोर्ट कार्ड अपने आप वहाँ पे दे देगा। सो बहुत जल्द वापस इसके दूसरे सेट ऑफ वीडियो में अपन देखेंगे कार का जो काम हुआ कैसे हुआ, एंड कंप्लीट होने के बाद वो कार का क्या लुक एंड फील फिनिश अपील आ रहा है, उसको हम लोग पेंट होने का डिटेल भी करेंगे, सब करेंगे। बट हाँ, एंड ऑफ द डे अगेन आई वुड रिक्वेस्ट एंड एवरी वन कि प्लीज़ कहीं पे भी आप अपनी कार के कोई भी तरह काम के लिए अपनी कार को अगर दे रहे हो, कार इज़ क्वाइट एन एक्सपेंसिव एसेट, तो रिक्वेस्ट है कि स्किल सेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका गूगल रिव्यूज़ और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर चेक करें, क्योंकि नहीं तो क्या आपके पैसे तो बर्बाद होंगे ही होंगे, एट द सेम टाइम आपकी कार भी ख़राब होगी, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी लाइन डैमेज होकर रखी है, अब उसको वापस रिपेयर करना, एक ही चीज़ को बार बार रिपेयर करने से मजबूत नहीं कमज़ोरी होती है। सो निशान जोशी साइनिंग ऑफ आउट हियर, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट डाउन करिए कि फ्यूचर में आप और कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हैं, एट द सेम टाइम कमेंट करिए कि इस वीडियो को और बेटर करने के लिए मैं इसमें और क्या सुधार ला सकता था। थैंक यू सो मच।